Hey, hi everyone, this is Mayank Kotaria, and today I'm going to give you a couple of news related to the strategic financial management. So if you are having attempt in November 2018 onwards, then it is applicable to you. So the very first thing that I wanted to tell you is suggested answers for May 2018 ka jo SFM ka paper tha, new syllabus ka, wo ready hai. You can download the same with the link given in the description. Old syllabus ka maine kafi time pehle release kar diya tha, new syllabus ka pending tha. I took a break from all the study thing, and then I prepared for the SFM new syllabus suggested answers. That is ready. You can download the same from the link given. That is the first thing that I wanted to give you. Lots of people are asking for the SFM fast track for November 2018. So SFM fast track is going to be updated now, and it will be available from June 20th. Okay? So 20 June ke pehle possible nahi ho payega. I request you, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ. सो थोड़ा अपडेट होने के लिए, अपडेट करना है उसको, थोड़ा सा लेके बैठना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें उसको चेंज करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और मई 2018 की चीज़ें भी अगर इंक्लूड करनी है उसमें तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है. सो इट विल बी अवेलेबल फॉर द ओल्ड सिलेबस ओनली फास्ट ट्रैक 20 जून से. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली, ताकि 20 जून तक आप एटलीस्ट बाकी के सब्जेक्ट्स या एक दो सब्जेक्ट्स और अलग से कवर अप कर लो. इफ़ यू वॉन्ट द फास्ट ट्रैक, then it will be available from 20th June at Conferenza. Okay? It will be available on one more site, that is spcrocks.com. The website of Swapnil Patni sir, and I am glad to tell you that Swapnil Patni sir is also associated with Conferenza for his law fast track lecture. So you can buy law fast track, you can buy the SFM fast track from any of the site you want. Okay? Another good news is Bhavar Borana sir is also associated with Conferenza for his direct access fast track lectures. So it is also available with the Conferenza. You can go ahead with that if you want for the coming attempt. Achha, coming back to the SFM. SFM ka fast track ka bata diya, maine aapko suggested answer ka bata diya. Ek aur cheez hai, wo hai ki regular batch agar aapne li hui hai, theek hai, old syllabus ya new syllabus ki. रेगुलर बैच, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस की रिकॉर्डिंग वापस से शुरू हुई है. ठीक है, वापस से शुरू, यानी कि जो लेक्चर्स अपडेट करने होते हैं वो अगस्त में अपडेटेड लेक्चर्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू सिलेबस विल बी अवेलेबल. सो अगर आपने खरीद लिए हैं तो आप उन्हीं को कंटिन्यू करो देखना, बिकॉज अपडेटेड लेक्चर्स में क्या है मैं आपको बता देता हूँ. जो पुराने क्वेश्चन है जो कि 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया, तो उसको वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? बस क्योंकि वो पुराने थे, बाकी कोई चेंज नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा. मैं बस थोड़ा सा अलग दिखूंगा उसमें. शायद हो सकता था कि पहले मेरी बियर्ड थी, अभी नहीं दिखेगी, या अभी होगी, पहले नहीं थी. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग. कुछ क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आई एग्री विद दैट थिंग, एंड इट विल बी इम्प्रूव्ड. दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट पार्ट फॉर मी. सो वो क्वेश्चंस आपके बदल जाएंगे. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, सिलेबस भी वही है. ठीक है, सो आपको जो अभी आया हुआ है, गो अहेड विद दैट ब्लाइंडली. देर इज़ नथिंग जो कि नहीं है आपके लेक्चर्स में. ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बच्चे क्वेरीज पूछते हैं हर अटेम्प्ट में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार चलो ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में ना बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो उसका अलग से कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड कर लो. मतलब जो पहले रिकॉर्ड किया था उसको आप दो पार्ट में बांट दो, या फिर उसको और बेटर तरीके से कर लो. सो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है. सो अराउंड 20% ऑफ द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड अगेन. तो ये आपको अगस्त में अवेलेबल होगा. प्लीज़ नोट दैट कि जब तक आप क्लियर नहीं होते, आपको अपडेटेड लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. जब भी अपडेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आपको कॉल आता है, आपको मेल आता है. ठीक है, कॉल कई बार कोशिश की जाती है यहाँ से, लेकिन लगता नहीं है, या फिर लगाया तो कभी आप उठा नहीं पाते बिजी होने की वजह से, तो मेल भी आता है, 2-3 बार मेल आएगा, ऐसा भी नहीं. और कॉन्फ्रेंस प्लेयर में उसका अपडेट भी आएगा. जैसे ही आता है तो आपको उसमें प्रोसीजर रहेगी, आप उसको फॉलो करो, छोटी सी प्रोसीजर है और कुछ नहीं, और आप अपडेटेड लेक्चर सब्सक्राइब कर सकते हैं. द ओनली कॉस्ट दैट यू विल हैव टू बियर इज कुरियर का आना जाना. दैट विल हार्डली लाइक 100 रुपीज़ और समथिंग, एंड 100-150 मैक्सिमम. और अगर आप पेन ड्राइव नहीं भेजते हुए, आप खुद नहीं पेन ड्राइव लेना चाहते हो, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 700 बक्स. मोर देन दैट इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट. सो दैट इज अवेलेबल. जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2018 है, कंटिन्यू वॉचिंग द लेक्चर्स दैट यू हैव ऑलरेडी परचेस्ड. कुछ लोग जो सोच रहे हैं खरीदने का, उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ. अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 18 है या मई 19 है, खरीद लो. अगर खरीदना है तो सोचो मत, अपडेटेड आप बाद में भी ले सकते हो. तब तक कम से कम कुछ चैप्टर्स, 90% चैप्टर्स, 50-70% चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लोगे. एंड जिनका अटेम्प्ट नवंबर 19
या May 20 वगैरह है, एक दो महीने रुक जाओ, अगस्त में खरीद लेना। क्योंकि बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदोगे, आपको वापस अगस्त में एक थोड़ा सा कुरियर वाला थोड़ा सा हैसल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगर रुक सकते हो तो एक दो महीने रुक जाओ, अदरवाइज यू कैन बाय ऑल्सो राइट नाउ। ठीक है, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द न्यूज़। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी लोगों को बताया था, सब पोस्ट डाला था कि मैं डाउट्स एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ 20th of May तक। काफ़ी सारे लोगों ने फिर भी डाउट्स पूछे हैं व्हाट्सएप पे, बिकॉज वो शायद कनेक्टेड नहीं थे टेलीग्राम चैनल से, या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आई नीडेड अ ब्रेक बिकॉज 1.5 महीने से सब ये डाउट्स एंड ऑल दैट चल रहा था कंटिन्यूसली, एवरी डे 4 to 5, 6 आवर्स यू आर सॉल्विंग द डाउट्स। तो एक ब्रेक होना ज़रूरी हो जाता, नहीं तो दिमाग फट जाता है। सो आई टुक अ ब्रेक टिल 20th of May। बहुत लोगों के डाउट्स रिप्लाई नहीं आए होंगे, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इफ देर इज़ एनी मिसकम्युनिकेशन, आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि 21st of May से मैंने डाउट्स का रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। सो मेक श्योर यू आर आस्किंग मी द डाउट्स, एक बार वापस से पोस्ट कर देना, थोड़ा सा जेन्यून रिक्वेस्ट है। एंड नॉर्मल रिप्लाई टाइम फॉर द डाउट्स इज़ अराउंड 2 to 3 days, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा फोकस होता है, तो डाउट्स का रिप्लाई मैं 2 से 3 दिन में करूँगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तब ये गैप कम हो जाता है, सो उसी दिन मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट्स का रिप्लाई आ जाए आप लोगों को। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू व्हाट्सएप मी एट 8983475152। टेलीग्राम चैनल इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, सबसे पहले पोस्ट वहाँ पर आता है। कुछ भी अमेंडमेंट हो, अमेंडमेंट बोलता हूँ सॉरी, कोई भी अपडेट हो मेरी तरफ से, कोई भी फाइल शेयर करना हो, टेलीग्राम चैनल पर मैं आजकल शेयर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद दैट। जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक के रेगुलर बैच के न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के लेक्चर्स लेके रखे हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू स्टे अपडेटेड ऑन दैट, ताकि कुछ मिस ना हो, अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें मिस कर दोगे। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डाउट्स के लिए अभी भी व्हाट्सएप ही है, टेलीग्राम पे पर्सनली डाउट्स मत पूछना। मैं टेलीग्राम को सिर्फ चैनल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल चैट्स के लिए नहीं। सो व्हाट्सएप पे ही आप मेरे को पूछोगे, बाकी तो अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम देता ही रहूँगा। धीरे 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 करते मैं अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाऊँगा नवंबर 2018 के लिए। कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है बेनिफिशियल है, कुछ फाइल जो मेरे को लगता है बेनिफिशियल है, आप सब लोगों को हेल्प होगी, स्टूडेंट्स हो नॉन स्टूडेंट्स हो, आई विल कीप शेयरिंग दोज थिंग। इफ स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, अभी मेरे को बता दो व्हाट्सएप के थ्रू एंड ऑल, सो आई विल सी कि अगर मैं उसके लिए टाइम निकाल सकूँ और आप लोगों को वो प्रोवाइड कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दी SFM एंड कपल ऑफ एसोसिएशन विद द कॉन्फ्रेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।